सर लाइव हाँ किसके लिए, किसके लिए लाइव हो रही है सर? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया। लाइव तो वो अरमान मलिक के लिए हो रही है ना, और किसके लिए होगी? मैंने आज का प्रॉमिस तो किया था लोगों को। जी जी सर बिल्कुल, मैंने भी बताया हुआ था एक्चुअली। तो पनौड़ी हाँ भाई मैं नीचे बैठता हूँ, मैं नीचे से देखता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए। चलो ठीक है, ओके। हाँ तो वो आपने स्टोरी पे जो लगाया हुआ था, राजवीर सिंह जी जो हैं वो पंजाब के सिंगर हैं, ये आए थे हाँ मेरी लाइफ पे, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी और भी मजीद इसी चाचा के लिए ना, बहुत सारी बातें बताई थी लाइफ पे, और इवन आज उन्होंने वो किडनैपिंग की रिपोर्ट भी दिखाई है। अब चल क्या रहा है ना, बीच में लोग आए हुए हैं व्यूज के लिए, कहीं कोई इधर से उठकर आ रहा है, कहीं कोई उधर से आ रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा तो गंदी गंदी बातें सिर्फ आपके और मेरे लिए कर रहे हैं, वो अपनी रियलिटी बताने में लगे हुए हैं। मतलब लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है कि इतनी गंदगी को सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप। यार, मुझे तो लगता नहीं है कि इंस्टाग्राम में से कोई सपोर्ट करता होगा। यूट्यूब का मुझे पता नहीं है, ठीक जी है। जी और बात रही वो टहलका की, तो वो टहलका के मतलब के टहलका के जहाँ पे कनेक्शन है ना, उस वो सारे बापों के साथ मेरा कनेक्शन है, तो जी जी उसकी भी मतलब के वो उसके जो सुअर जैसे होठ है टहलका के, वो उसके जो सुअर टाइप होठ है उसके, तो उसमें तो कोई मतलब वो तो बड़वा है उसका, तो मतलब के उसको तो मैं बोलूंगा ना, सुन भी हो बड़वे, तेरे माँ की चूत तेरी, मेरे पैर पकड़, तो वो पकड़ लेगा, इतना नल्ला है वो, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अब बात रही ये संदीप जांगड़ी की, तो संदीप जांगड़ी का तो 5 अगस्त को है ना ये कोर्ट? जी सर, 5 अगस्त को है, बिल्कुल हाँ तो 5 अगस्त को जो ये जांगड़ी की कोर्ट है, तो मतलब के तभी तक तो कोर्ट के बाहर बहुत बड़ा हल्ला मच जाएगा, बहुत जी सारे जी लोग न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ये बड़वा अब इतना मतलब के कुछ कर पाएगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि जिस तरह से सारे जगह पे रहा है, मतलब के दोनों रंडियों को लेकर और एज अ रेपिस्ट, राइट, मतलब कि उसकी जो छवि बन रही है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया की जो बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये रंडवा सिर्फ नॉर्थ इंडिया में फेमस है, साउथ इंडिया में जी इसको जी कोई लौड़ा भी नहीं जानता, ठीक है। सर, राजवीर सिंह ने भी यही तो बताया था कि ये जिस तरफ देखता है ना, मुस्लिम्स व्यूअर आ रहे हैं तो मुस्लिम्स की तरफ ये मुसलमान बन जाता है, जब ये हिंदू देखता है, हिंदुओं का कोई त्योहार आता है उधर चला जाता है। और अभी आजकल सर एक बात क्या हो रही है, मैं छोटी सी चीज मैं आपसे बताना चाहूंगी कि यूट्यूब पे कुछ लोगों ने, जो आपकी लास्ट लाइव हुई थी ना, जो 2 या 3 दिन पहले आप लाइव आए थे और आपने इन लोगों को दिखाया था, शीशा दिखाया था, आईना दिखाया था, उस लाइव के बाद बहुत सारे लोग इतनी गंदी गंदी बातें आपको मुझे लेकर, कभी किसी को वो यही चाचा जी के, क्योंकि लोगों को सिर्फ मेरा नाम पता है, वो भी यूट्यूब का नाम है जो लोगों को पता है, उस नाम से और आपके नाम से इतनी, वो छोटे छोटे से कीड़े निकले गंदी नालियों से, इतनी गंदी गंदी बकवास कर रहे हैं, और ये लोग वो लोग हैं जो बोल रहे हैं उसके बच्चों के लिए आपने क्यों बोला। सर क्या मैं, आप लाइव आके जो बात कर रहे होते हैं, क्या मेरी इतनी मतलब है कि मैं आपको बोलूं सर आप ये बोले आप ये नहीं बोले? मैंने सबको बताया कि वो सही है, उसके तुम्हारा सही है। उसके मतलब कि उसके बच्चे के लिए क्यों बोला? तो जब उसने 11 साल की लड़की का रेप किया, तो वो क्या किसी की बच्ची नहीं थी? करेक्ट। और सर आपका एक लेवल है, आपको लोग इंस्टा किंग पनोड़ी के नाम से जानते हैं, मैं तो बिल्कुल ही मतलब मैं कहती हूँ कि मैं आपको कौन होती हूँ बोलने वाली कि सर आप ऐसा बोले ऐसा नहीं बोले, आप अपनी मर्जी के मुताबिक हैं, आप अपने मतलब एक आपकी एक पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है, आपको जो दिल करता है आप बोलते हैं वो। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही, ये लोग कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ तो मेरे लिए उल्टी सीधी बकवास एलिगेशंस गंदी गंदी बातें, और आपको कुछ लोग कह रहे हैं छपरी। तो उन लोगों को मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगी आपके लाइव के थ्रू कि जिन लोगों को लगता है ना कि पनोडी सर की औकात नहीं है या तुमसे डरते हैं, तो तुम इनकी लाइफ पे आओ, तुम लोगों की औकात नहीं है कि ये तुम्हारी लाइफ पे जाके तुम्हें जवाब देंगे, तुम आओ यहाँ यार पे जिसको भाई बात करनी देखो, है। औकात की तो बात यह है कि जब हम अपनी औकात पे आते हैं ना, तो भौकाल आ जाता है, ठीक करेक्ट है। सर, हाँ और ये आजकल के जो अमीर बने बैठे हैं, वो आजकल के अमीर हैं। मैंने तो अमीर माँ के पेट से ही मैंने तो जन्म लिया था। तुम लोग सालों जब बाइक लाने के लिए सोचते थे ना कि पापा बाइक लाए दो, पापा बाइक लाए दो, तब तुम्हारा ये बाप स्कॉर्पियो लेके घूमता था,
औकात की तो बात ही मत करो वरना मादरचोद भौंका ला देंगे। अगर औकात की बात की ना भाई महादेव की कसम भौंका ला देंगे। ठीक है तो औकात की तो बात ही ये मेरी मेरी लाइव को सब्सक्राइब करो, जाओ मेरी लाइव मतलब मेरी वीडियोस को जाके देखो, नीचे कमेंट्स कर दो, ये तुम्हारी औकात है। यही मैंने सर बोला, मैंने कहा पनोटी सर सोशल मीडिया को पैसे नहीं कमा रहे। तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारी औकात ये है। ठीक है तुम्हारा ये बाप पनोटी, तुम्हारा ये बाप समझा सर। मैंने यही बोला कि पनोटी सर मत करियो वरना तेरी गोलू को फिर से तेरी गांड खोल दूंगा गोलू मैं। नहीं सर वो चाचा आजकल पाकिस्तान की लाइव में आकर बैठकर बात कर रहा है। ऐश ने कमेंट किया है सर, ऐश का कमेंट पढ़िएगा। वो चाचा जो मुझे पाकिस्तानी पाकिस्तानी करके बोल रहा था वो पाकिस्तानी लाइव, और बेचारे पाकिस्तानी एक वो कोई अंकल हैं जो गंदी गंदी एलिगेशन आपको और मुझे लेकर लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बातें। मैंने तो कभी मतलब बोला भी नहीं। अभी ऐश ने नीचे कमेंट किया, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो इन लोगों को मैंने यही कहा कि पनोटी सर सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमा रहे, उन्होंने चैनल नहीं बनाया हुआ, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनको जो बोलने का होता है वो बोलते हैं, उनको मैं कोई नहीं होती बोलने वाली कि आप ये बोलो आप ये बोलो, उनके अपनी जो मर्जी होती है वो वही बोल रहे होते हैं। सही बात और किसी की औकात है तो यहाँ पर आकर सर से बात करो, अपनी लाइफ पर बैठकर इनको गाली देना मेरे को गाली देना नहीं करो, यहाँ पर आकर बात करो। यार देखो मैंने कभी ये मैंने सोशल मीडिया से कुछ मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाई थी टू बी ऑनेस्ट विथ यू जी, मैंने मतलब एक था के बनाऊ मैंने बनाई 3600 ऐसे कुछ फॉलोवर भी है भाई, उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाली, कुछ डालता ही नहीं हूँ मैं। अब 3600 फॉलोवर में क्या इनकम होगी, तुम तो यूट्यूबर हो ना तुम्हें तो पता होगा। सही नहीं सर, आपकी वीडियोस लोग डाल के अपने चैनल पे वो इनकम बना रहे हैं यूट्यूब पे बहुत। मेरे भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि बेंच और ये ब्लॉग बनाओ लौड़ा करो ये करो, भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये सारी बेंचो ये कर ये बहन के लौड़ो की तरह बेंच और पूरे दिन वीडियो शूट करता रहो। करेक्ट भाई, नीचे ये नाम लिख रहे हैं सर, ये उस आदमी का नाम लिख रहे हैं। मैं तो इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं तो लीगली उसके लिए कर रही हूँ बहुत सारी चीजें, और मैं तो चाहती हूँ वो रोज बैठ के गालियां दे, वो गंदगी बोले ताकि मेरे पास सॉलिड प्रूफ हो। पाकिस्तान का है वो, ये नीचे लोग नाम उसका लिख रहे हैं, देसी डॉग के नाम से मशहूर है, क्योंकि मैं एक्चुअली जो है वो लीगली चली गई हूँ और पहली दफा मैं गई हूँ किसी के लिए, और इवन उसका और मेरा चैनल वो अथॉरिटीज के अंडर ऑब्जर्वेशन भी है। ये आदमी इतनी गंदी गंदी बातें बैठकर, बेचारा कल भी रो रहा था और ये अरमान से शाउट आउट मांग रहा है, कभी कुछ रो रो कर बोलता है, व्यूज नहीं आ रहे, मैं बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, इसकी ये औकात है कि अभी आपके लिए बोल रहा है मेरे लिए बोल रहा है। तो ये भाई देखो, तुझे बड़ा यूट्यूबर्स बनना है ना, मैं तुझे एडवाइस देता हूँ भाई, तुझे बड़ा यूट्यूबर्स बनना है भाई, तुझे सच्ची मैं जबरदस्त एक एडवाइस देता हूँ। एडवाइस ये है कि तेरी बहन या तेरी बीबी को है ना भाई, तू वहां पे तेरी बीबी के साथ या तेरी खुद की बहन के साथ है ना, तू कोई ऐसी पूरी सेक्स वीडियो नहीं बोल रहा हूं मैं, बी ग्रेड की मूवी होती है ना, बी ग्रेड की मूवी वो डाल दे भाई तेरी चैनल में, भगवान कसम बोलता हूँ भाई जबरदस्त व्यू आएंगे, सारे साथ पैसे भी कमाएगा, तेरी बहन की चूत के ऊपर पैसे भी कमाएगा, और तेरी शादी हुई होगी तो दो चार वीडियो और बन जाएगी। और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी आपकी लाइव सुनने के बाद कल वाइफ प्रेग्नेंट है उसकी, और इसकी बहन है। तेरी वाइफ को तू लाइव पे प्रेग्नेंट करता, तेरी खुद की वाइफ को तू लाइव पे प्रेग्नेंट करता, तेरी खुद की वाइफ को तू लाइव पे प्रेग्नेंट करता, भोसड़ी के कुछ व्यूज आते अच्छा लगता। मैं तो इसका नाम इसलिए लेना चाह रही थी कि बेचारे को व्यूज की वैसे ही बहुत भूख है।